मैम मेक मी होस्ट अगेन, अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू एंटर द अदर स्टूडेंट्स। ओके गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। राइट नाउ मैम व्हाट वी आर डूइंग? आई एम टेकिंग अटेंडेंस। Wait, everyone, wait. Open the chapter number 10. Open the chapter number 10, everyone. Ma'am, my class is joining now. What we are doing? I'm taking attendance, students. Open the page number 10. Today we will start this chapter. Ma'am, which page number? Page number 54 open kare sabhi bachche. Who is this? Ma'am, which page number? Wait, beta, wait. Page, not page. Page open the chapter. Open the chapter number 10. Who is Ritik Shandil? Who is Ritik Shandil? Ritik Shandil. Yes, ma'am. Bacha, apne apna registration number kyun nahi likha hai? Why are you not written there? Right now. Write your registration number. ओके विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर मैं किसी को एंटर नहीं करने दूंगी. रितिक शांदिल आर यू लिसनिंग? यस मैम. ओके प्रियांशु कौंडल 2840 और जिसका कैमरा ऑफ होगा बेटा वो भी क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा. Okay, so let's start. Students are still joining. Just wait, beta. Anshika Dogra and Arpit Kumar, 1540. And 1636. Okay. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Have you got your syllabus of unit test? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Which chapters will come? Which two chapters will come? Which two chapters will come in your unit test? Ma'am, third and fourth. Ma'am, chapter number 3 and 4. Okay. Ma'am, chapter number 6. Okay. हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे ठीक है. फोर्थ अक्टूबर से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है. विद इन 2 डेज में हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे डेली
थोड़ा थोड़ा पढ़ा करेंगे, कल से हम रिविजन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर्स की, ठीक है? ओके, सो टिल नाउ ओपन द चैप्टर नंबर 10. जस्ट अ मिनट, वन मोर अदर स्टूडेंट्स विल ज्वाइन. अंश 2832. मैम वरदान, व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू एब्सेंट ऑन सैटरडे? मैम आई हैव गॉट टू सम, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर, दैट इज द चेंजिंग विद टाइम. टुडे वी विल स्टार्ट दिस, ठीक है? हम ये स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी द स्क्रीन एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके ओके ओके. सो कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा? रेज योर हैंड. कैमरे लिसन 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 एवरीवन, लिसन एवरीवन. ओके, जिस स्टूडेंट्स के कैमरे ऑफ होंगे ना, उनकी टर्न नहीं आएगी, उनकी टर्न कभी भी नहीं आएगी. लाइक मुस्कान, ओनली रेज योर हैंड्स. आई एम टेलिंग यू, ओनली रेज योर हैंड्स. ओके, सो यस तरुण, 1546. यस मैम. तरुण स्टार्ट करेंगे रीड करना, स्टार्ट करेंगे रीड करना. Change all around us. Epidemic. Look at this weather. People seem to be really enjoying it. They are walking, joined, playing, or just lounging around. Robonom. Yes, the weather has changed. It is very good for outdoor activities. The weather. Yes, yes, yes. Captain. Yes, the weather has changed. It is very good for outdoor activities. The weather currently is neither too hot. Currently is neither too hot nor too cold. Everyone, mute your mic. Whose mic is on? तरुण आप उस रूम में बैठा करो जहाँ पे ज्यादा साउंड नहीं होती है. यस मैम. बहुत ज्यादा पीछे से साउंड है. बहुत मैम माइक इज अनम्यूटेड. एवरीवन म्यूट योर माइक. ओके यस. यस शिवांशी, यू विल स्टार्ट. शिवांशी यू विल स्टार्ट. Changes all around us. Epidec. Look at this weather. People seem to be really enjoying it. They are walking, jogging, playing, or just lazing around. Robonom. Yes, the weather has changed. It is very good for outdoor activities. The weather currently is neither too hot nor too cold. However, it is not going to be like this for वेरी लॉन्ग. ये पेंटिंग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये पेंटिंग? पेंटिंग का पीरियड है, आर्ट एंड क्राफ्ट ड्रॉइंग का पीरियड है बच्चे. कौन पेंटिंग कर रहा है? मुस्कान, व्हाट हैपन? ड्रॉइंग करने का मन कर रहा है बच्चे? आप क्लास से लीव करके फिर ड्रॉइंग कर सकते हो. स्क्रीन पे मैंने आपको इसलिए शो किया है क्योंकि न्यू स्टूडेंट एंटर करते हैं, वो विच पेज नंबर पूछते हैं. दे विल आस्क मैम विच पेज नंबर. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू स्क्रीन. दिस पेज टुडे वी विल रीड दिस पेज एंड दिस चैप्टर. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन. ओके यस शिवांशी कंटिन्यू बेटा. यस यस कंटिन्यू करो साथ साथ में. ओके हिमानी, आर यू प्रेजेंट देयर? यस मैम. हिमानी? यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. ओके ओके हिमानी, आपके नेम से कोई और एंटर कर रहा था बट उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं एंटर किया था. देखो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डेली ये देखो हिमानी नेम से कोई एंटर कर रहा है. हिमानी नेम से कोई एंटर कर रहा है.
बट हिमानी इज स्टिल प्रेजेंट इन द क्लास, है ना? इसलिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन करने हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए बोल रही हूं कि अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके ही क्लास में आए. ओके 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 ओके, स्टार्ट करें बेटा. यस यस सक्षम, नेक्स्ट रीड करें आप. यस मैम. यस मैम. स्टार्ट रीडिंग. यस मैम. सक्षम कैसे रीड करोगे आप, कहाँ बैठे हो, इतना शोर हो रहा है पीछे से. यस नेक्स्ट पायल. पायल आप रीड करेंगे बेटा. यस मैम. Chapter 10, Changing with the Times. Exploring John changes all around us. After death, look at these weather people seem to me really enjoying it. They are walking, jogging, playing or just lazing around. Ragunami, yes, the weather has changed. It is very good for outdoor activities. This, the weather currently is neither too hot nor too cold. However, it is not going to be like this for very long because the weather on the earth keep changing from time to time. During the summer, it is become too hot to be you outside in the open for human, and in winter it becomes too cold. Such changes are not discoverable for outdoor activities. After that, I understand the weather keeps changing on the earth. Are there other changes too that take place on the earth, Ragunam? Yes, exactly. There are a largest number of changes taking place on the earth. After that, let's exploring these changes to now. To okay, now. Okay, stop reading, stop reading. Okay, students, so today we start a chapter that is changing with time. Means, time ke saath kya kya cheeje badal rahi hain. Theek hai, wo padhenge aaj hum iske baare mein, ye janenge. Abhi, dekho, jaise ye four alien friends hain. ये क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ क्या क्या चेंज हो रहा है आप ऑब्जर्व कीजिए. कल बारिश थी तो आज धूप है ना, कल फिर से पता नहीं मौसम कैसा होगा, कभी सनी होता है कभी क्लाउडी होता है. लिसन एवरीवन, आर यू लिसनिंग, यस और नो? यस मैम. डेली स्टूडेंट, डेली जो है वेदर कंडीशन सेम नहीं रहती है. It will change. ये हमेशा change रहेंगी. Yes, long period time में कोई चीज continue नहीं होती है. जैसे आज weather है, जैसे अभी गर्मियां start है, rainy season start है, फिर आपकी winters आ जाएंगी, then summers आ जाएंगे. इस तरह कोई भी चीज जो है वो क्या है, static form में नहीं है. Means वो continuity में change होती जा रही है. ठीक है, कंटिन्यूटी में चेंज होती जा रही है. शौर्या 2129, पता नहीं स्टूडेंट्स क्यों इतने लेट एंटर करते हैं. ओके नेक्स्ट इज रितेश 1643. ओके सो दैट्स व्हाई. ओके अभी हम देखेंगे चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर. नेचर का ये नियम है कि जो भी चीज है उसको चेंज होना ही है, उसमें चेंजिंग आएगी ही आएगी. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें नहीं चेंजिंग आता है, हर चीज में चेंजिंग आती है और ये नेचर का लॉ है. हमारी नेचर का लॉ, जो भी इस पृथ्वी पे आया है, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन. ठीक है, अभी मैं क्लास से खुशबू आपको रिमूव करूंगी क्लास से, अगर आपने स्क्रीन पे फिर से कुछ लिखा तो. क्या पढ़ा रही हूं मैं खुशबू, माइक ऑन करें जरा अपना. ऑन योर माइक बेटा खुशबू. खुशबू आपको सुनाई दे रहा है?
खुशबू ऑन योर माइक, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास. मैं एब्सेंट मार्क करूंगी खुशबू फिर आपकी. फटाफट माइक ऑन करें अपना. ओके सो नेक्स्ट इज आरुषि. आरुषि यस मैम. स्टार्ट रीडिंग. एंड वेदिता आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मैम आई गो टू वॉशरूम. यस हिमानी. सास में अभी कोई नहीं बाहर जाएगा. आरुषि इतनी शोर में कैसे आप रीड करोगे? रहने दो अभी आप माइक यूज करें. Yes. Next is Nivedita. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, class is 5 of changings. No, no. Yes. Specification of changes. Darushi, आपकी बाद में टर्न आएगी. आपको पहले ही पता, जब भी क्लास लगाने बैठना है तो आप सेपरेट रूम में बैठे. माइक ऑफ करें. यस निवेदिता कंटिन्यू. मैम क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. नो नो बेटा, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ रीड करेंगे. द चेंज इन द इज द लॉ ऑफ नेचर. यस मैम. चेंज ऑल अराउंड अस. एफिडेक लुक एट दिस वीडियो. एफिडेक से नहीं पढ़ना है निवेदिता. एफिडेक से नहीं पढ़ना, उसके नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. यस मैम. Change is the law of the nature. If we observe things around us, we find that almost everything is changing. We observe changes due to the effect they produce. The effect may be change in the sight, shape, color, temperature, composition, etc. Color, temperature, composition. Etc. The study of genes help us to classify them. Classification okay, stop of reading. Stop. Okay. So students, ये क्या बता रहा है chapter? हमने पढ़ा कि nature का law क्या है. What is the law of the nature? That is change. Change is the law of the nature. Everything, each and everything which is present in the earth, ठीक है, undergoes changing. चेंजिंग में ही वो जाएगी, उसमें चेंजिंग होगी ही होगी. ठीक है, जैसे हमने देखा हर एक चीज को बदलते हुए हम देखते हैं. स्मॉल सीड से सैपलिंग निकलते हुए देखते हैं, प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं. ठीक है, कलर्स चेंज होते हुए देखते हैं कि जैसे फ्लावर्स का या किसी चीज का कलर चेंज हो रहा है. एवरीथिंग वी ऑब्जर्व होता है ऐसे कि नहीं होता है. अभी आप फ्रूट देखते हो तो पहले फ्रूट का साइज क्या होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है. जब वो रॉ फ्रूट होता है, जब वो कच्चा फ्रूट होता है, फिर जैसे जैसे उसमें राइपनिंग होती है, पकता है वो, तो उसका कलर भी चेंज होता है और वो साइज भी चेंज होता है. होता है ऐसा कि नहीं होता है? मैम होता है. है ना? यस. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ कैसे चेंजेस आते हैं. ऐसा तो नहीं होता ना, पहले फ्लावर होता है, फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, फिर वो फ्रूट बड़ा होता है, ग्रो होता है, साइज में उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, साइज चेंज होता है. देन उसमें फिर राइपनिंग प्रोसेस होती है, मतलब वो पकता है, सीड बनता है उस फ्रूट से. तो ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट फ्रूट ही लग पड़ता है. फ्लावर जो है वो ही फ्रूट में, हाँ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं उसमें डायरेक्ट फ्रूट्स लगते हैं, बट फ्लावरिंग जो होती है वो फर्स्ट स्टेज होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस. अभी हम देखेंगे कि चेंजेस की क्या क्या क्लासिफिकेशंस है, किस किस चीज में इसको क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन सी क्लास में इसको रखा गया है. जैसे आपकी क्लासेस होती है ना 1, 2, 3, 4, क्लास 1, क्लास 2, वैसे ही चेंजेस में क्या क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या क्या हमने क्लास को किस किस क्लास में किस किस चीज को रखा गया है वो पढ़ेंगे अभी हम. ठीक है, सो नेक्स्ट इज यस सेजल, आपकी टर्न हो गई है बेटा.
अभिलव गुप्ता. नेक्स्ट इज अभिलव गुप्ता. फिर नेक्स्ट कृतिका, आप रेडी रहना. सेजल अपना माइक ऑफ करें. कृतिका नेक्स्ट, आप रेडी रहना बेटा. क्लासिफिकेशन of changes. Changes that take place on the earth can be classified on the basis of following criteria. Yes. Desirable and undesirable changes. Speed, fast and slow changes. Reversible and irreversible changes. Property, physical and chemical changes. Time, period and non-periodic changes, occurrence, natural and man-made changes. Okay, stop Abhilav, stop reading. Abhilav, आपकी रीडिंग बहुत पुअर है, वेरी पुअर. आप पढ़ क्या रहे हो? लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ रहे हो. और वही जो आप पढ़ोगे, जो रीड करोगे, वही आंसर्स में लिखोगे. सो रीड इट केयरफुली. जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं था, पीरियड नहीं था, इट्स पीरियडिक. Periodic and non-periodic, desirable and undesirable. बहुत ज्यादा चीजें आपने गलत पढ़ी हैं, ठीक है? So अपनी reading practice करें. So students, classification of changes देखेंगे. First, हमने changes को, जो चीजें बदलती है, किस किस के basis के ऊपर बदलती है, use के ऊपर, ठीक है? Use के ऊपर देखें तो दो type की changes होती हैं. वंश, screen में कुछ नहीं लिखना है. That is desirable and undesirable. First is desirable and undesirable changes. ठीक है, desirable and undesirable, जिन हम चाहते हैं कि ये change होना चाहिए, that are desirable changes. हम चाहते हैं कि ये change होना चाहिए, हम चाहते हैं दिन से रात होनी चाहिए, तो ये desirable है, जिसकी हम desire करते हैं, जिसकी हम इच्छा रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है? Undesirable changes, जो हम नहीं चाहते कि नहीं changes हो, that are undesirable changes. ठीक है, next is speed के basis पे changes जो होते हैं वो two types के होते हैं, fast and slow changes. अगर हम speed को देखें तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप car drive कर रहे हो तो full speed, उसकी speed बहुत ज्यादा है. जब traffic ज्यादा है तो आप चाहते हो कि वो speed थोड़ी slow कर दी जाए, तो आप उसको slow करते हो, ठीक है? तो fast and slow changes होते हैं, ठीक है? Next is नमन चौधरी, एक जस्ट मिनट बेटा, 1577. ओके, सो नेक्स्ट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है? इसके बेसिस पे टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. अभी ये क्लासिफिकेशंस आपको लर्न करनी पड़नी है. रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, जो एक बार चेंज होने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल ठीक है, तो जब आप उस एरोप्लेन को फिर से ओपन करते हो तो वो फिर से पेपर में चेंज हो जाता है, दैट आर रिवर्सिबल. इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, जैसे आपने दूध से दही बनाया, वापस दही का दूध तो नहीं बनेगा ना. मिल्क को आपने कर्ड बनाया, फिर कर्ड से दोबारा मिल्क तो नहीं बनेगा ना, तो दैट्स आर इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी. फोर्थ इज द प्रॉपर्टी. ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी वी क्लासिफाई द चेंजेस इंटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल चेंजेस. ये आपको सबको लर्न करनी पड़नी है क्लासिफिकेशन. मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी हाउ मेनी चेंजेस विल अकर. सो देयर आर टू चेंजेस विल अकर. दो चेंजेस हो पाएंगे, कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये पढ़ेंगे वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ये होते क्या है. तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हेडिंग्स थोड़ा थोड़ा बताऊंगी. फिजिकल चेंज स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, कलर, स्टेट ऑफ द मैटर, ठीक है? दैट्स आर द फिजिकल चेंजेस, ठीक है? इसमें कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है. इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं फॉर्म होता है. सो दैट आर द फिजिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस में देखोगे तो वहां पे हमेशा आपका न्यू प्रोडक्ट बनेगा और उसमें कंपोजिशन भी चेंज होती है, ठीक है? नेक्स्ट फिफ्थ इज द टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम चेंजेस विल बी क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स, दैट इज द पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक चेंजेस, ठीक है? पीरियडिक चेंजेस मींस, पीरियडिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? पीरियडिक चेंजेस का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल पे वो चीज जैसे रिपीट हो रही है,
उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक चेंजेस। जैसे हर सुबह 5 बजे या 4 बजे यहाँ पे सनराइज होता है, तो दैट इज द पीरियोडिक चेंज। उसी एक गिवन टाइम पे कोई चीज दोबारा अपने आप को रिपीट कर रही है, डेली डे एंड नाइट होती है। हर 7 या 8 बजे के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सनसेट इतने बजे होता है, तो वो डेली चीज रिपीट हो रही है, तो दैट आर पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक जो अपने आप को रिपीट नहीं करती, दैट आर नॉन पीरियोडिक। ओके, नेक्स्ट इज अक्रेंस। अक्रेंस के बेसिस पे नेचुरल एंड मेन मेन चेंजेस होते हैं, ठीक है। अक्रेंस के बेसिस पे 2 टाइप्स के चेंजेस होते हैं, एक नेचुरल एक मैन, ठीक है। इतना थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको कि चेंजेस क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है? एवरी वन? यस मैम। ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस वरदान। यस। अच्छा, यस वरदान। यस मैम। यस। ओके स्टूडेंट्स, वरदान अनम्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक बेटा भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस जोन 1 जो है आपका होमवर्क है, गिवन 2 एग्जांपल्स टू शो दैट वी ऑब्जर्व चेंजेस बाय देयर इफेक्ट्स, ठीक है। तो आपने अभी रफ नोटबुक में लिखने की ट्राई करना है। मैं आपसे पूछूंगी, आपका होमवर्क भी है, कुछ नहीं, जो आपको लगता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इफेक्ट्स चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वो आपको बताने हैं, जस्ट आपने ट्राई करनी है लिखने की, ठीक है। कौन कौन से इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उस वजह से चेंजेस आती है, ठीक है। यस नमन चौधरी, आपको कुछ लिखना है बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, बट जब आप होमवर्क सेंड करोगे प्लीज मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर, अदरवाइज 2 नेम के स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं तो फिर मैं किसी का भी उसमें मेंशन नहीं कर रही हूँ कि किसकी असेसमेंट आई है, किसकी असाइनमेंट आई है, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एक स्टूडेंट ने भेजा होता है, दूसरे स्टूडेंट ने सेंड नहीं किया होता है, तो मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर व्हेन यू सेंड योर असाइनमेंट एज वेल एज योर असेसमेंट। व्हेन विल यू, व्हेन, जब भी आप सेंड करो, ओके ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चेंजेस, वरदान आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। वेट, जब मैं बोलूंगी ना स्टार्ट, तब स्टार्ट करना है। जस्ट अ मिनट, मैं शेयर करती हूँ स्टूडेंट्स को पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहीं गए होते तो बुक्स भी साथ में कैरी नहीं करते ना अपनी। ओके, यस स्टार्ट वरदान। ओके कृतिका कीटान लोगे अगली। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी वरदान, नो प्रॉब्लम। कृतिका वरदान की टर्न है, नेक्स्ट आपकी होगी, जब भी आप नेक्स्ट क्लास होगी तो, ठीक है। यस कृतिका। द क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन द अर्थ हैज। वरदान स्टॉप रीडिंग, इट्स कृतिका'स टर्न, नॉट योर बेटा। आप नेक्स्ट टाइम अपना रीड करेंगे, कृतिका के बाद आपकी टर्न होगी। मैंने बोला था ना कृतिका की टर्न है, सो कृतिका फटाफट रीड करेंगे। Types of changes. The studies of a change helps us to understand its causes and effect. Let's look at different types of change. Okay, it's beta, it's not, it's causes. आपने इसको कुछ और pronounce किया, but it causes है, ठीक है? Types of changes. अभी हम बोल रहे हैं to study, the study of a change help us to understand its causes and effects. जब भी हम change को study करते हैं ना student, तो हमें समझ में आता है कि इसका क्या cause हो सकता है और इसके क्या effects हो सकते हैं। हमें चलता है ना पता कि नहीं होता है। अभी हमें जैसे ही change हुआ, day से night में convert हुआ, दिन के बाद रात आई, तो हमें पता है कि रात में क्या होता है, क्या होता है, हमें कुछ नहीं दिखता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, स्टार्स एंड मून्स विजिबल्स होते हैं, तो इसके इफेक्ट्स एंड कॉजेस हमें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस और नो एवरीवन? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चल, नहीं पता। अच्छा, yes. अभी आपको पता है कि इसके बाद, अभी जैसे डे टाइम है,
अभी इवनिंग होगा फिर नाइट टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको क्या पता है उसके बारे में, नाइट में क्या होता है, क्या होता है? डार्कनेस एवरीवेयर ऑल अराउंड ऑफ अस, लाइट्स ऑन, मून और स्टार की लाइट ही दिखती है हमें. यस, इफ इट्स अ क्लियर क्लाइमेट देन यू आर एबल टू सी मून एंड स्टार्स वेरी क्लियरली. यस, मून एंड स्टार्स वेरी क्लियरली. ठीक है, अगर अदरवाइज अगर क्लाउडी होगा तो भी हमें नहीं दिखेगा, मून एंड स्टार्स भी नहीं दिखेंगे. सो दैट्स आर द कॉजेज एंड द इफेक्ट्स, है ना. तो हर चेंजेस से हमें क्या पता चलता है कि उस हम वो हमें चेंज, हर चेंज हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि इससे क्या हो सकता है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकता है इसका. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क जो है वो आप करोगे. ठीक है, एंड ये जो है हाँ होमवर्क करके आना है. नेक्स्ट हम कल हम टुमारो वी विल स्टडी अबाउट डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. टिल नाउ थैंक यू सो मच. ठीक है, थैंक यू मैम. स्टार्ट करेंगे. थैंक यू मैम. थैंक यू.